तो दोस्त आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि अगर आप ऑफ रोल पे जॉब कर रहे हो, यानी कि आप थर्ड पार्टी पे जॉब कर रहे हो, तो आप ऑन रोल पे कैसे जाओगे, यानी कि कंपनी के पे रोल पे आप कैसे मूव हो सकते हो। तो उसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो दोस्त मैं आपको बता दूं, जब भी आप किसी थर्ड पार्टी कंपनी से काम करते हो वो कहलाता है आपका ऑफ रोल। मतलब जब आपको कंपनी सैलरी अपने एंड से नहीं देती है, किसी दूसरे के एंड से होके आपके अकाउंट में आती है, तो मीन्स आपका वो ऑफ रोल है, मीन्स आपका वो थर्ड पार्टी है। अभी देखो होता क्या है मेरे दोस्त, कि जब आपको एक टाइम पीरियड हो जाता है ना, कई कंपनीज ऐसी हैं जब आपको हायर करती हैं, वो थर्ड पार्टी हो या कंपनी का ऑन रोल ऑफर लेटर हो, कोई सा भी ऑफर लेटर हो, तो कंपनी जब आपको हायर करती हैं वो क्या करती हैं कि आपके ऑफर लेटर पे कुछ एक टाइम पीरियड लिख के देती हैं, जैसे कि 2 ईयर हो गया, 1 ईयर एंड हाफ हाफ ईयर हो गया, यानी कि 1.5 साल हो गया, 3 ईयर्स हो गया, 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर, 8 ईयर, 9 ईयर्स। तो ऑलमोस्ट सारी कंपनीज का जो मैक्स टेन्योर होता है वो 9 ईयर्स तक का होता है। उसके पहले आपको ऑन रोल मिल ही जाता है, बट 9 ईयर्स इज लॉन्ग टाइम। उसके पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्या किस कंडीशन में आप हो सकते हो। तो 9 ईयर्स के बाद भी अगर आप नहीं होते हो तो उस केस में क्या होता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है, या तो आपकी जॉब चली जाती है या आपको फिर ऑन रोल आपको मिल ही जाता है 9 ईयर्स के बाद। कंपनी में ऑन रोल होने के लिए आपको अपना बेस्ट काम दिखाना पड़ेगा, अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करना पड़ेगा, मैनेजर के टच में रहना पड़ेगा, और कोई भी मिसबिहेव आपसे नहीं होना चाहिए, और हमेशा आप टॉप में रहो। मतलब अगर 5 लोगों की टीम है या 10 लोगों की टीम है, तो आपके अंदर वो चीज़, वो क्वालिटी एक होनी चाहिए जो अदर 5 में नहीं है। आप जैसे, कोई दो तरीके के लोग होते हैं बेसिकली, एक हार्ड वर्क करता है, एक स्मार्ट वर्क करता है। हार्ड वर्क मीन्स कि कोई बंदा होता है कि यार दिन भर काम के लिए लगा ही रहता है, कोई वो काम 1 घंटे में ख़त्म कर रहा है, और एक बंदा होता है कि स्मार्ट वर्क करता है, वो उस काम को 20 मिनट में ही ख़त्म कर देता है किसी भी तरीके, तो उसको हम बोलते हैं स्मार्ट वर्क। तो हमेशा आपके पास स्मार्ट वर्क होना चाहिए। मेन जो हाथ होता है वो आपके रिपोर्टिंग मैनेजर का होता है, या फिर आप मेल पे रेफरेंस पे भी बात कर सकते हो। तो अगर कंपनी से ने टाइम दिया कि 2 साल बाद आपको ऑन रोल मिल जाएगा, तो कंपनी आपको ऑटोमेटिकली ऑन रोल कर देती है। कई कंपनीज एक छोटा मोटा एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं, कुछ फॉर्म वगैरह भरवाती हैं आप जब थर्ड पार्टी पे हो तो ऑन रोल जाने के लिए, और कई कंपनीज आपको डायरेक्ट ऑन रोल पे कर लेती हैं। तो बेसिकली ये एक तरीका है जहाँ से आप ऑफ रोल से ऑन रोल जा सकते हो, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है, ऐसे ही आपको जाना पड़ेगा। बाकी अगर आप आईटी सपोर्ट, डेस्कटॉप सपोर्ट या टेक्निकल सपोर्ट के लिए अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो, तो नीचे मेरा बेस्ट रिज्यूमे पड़ा हुआ है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, और वहाँ पे बेस्ट क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं जो कि आपको 100% इंटरव्यू में क्रैक कराएंगे। अगर वो चाहिए तो आप वो भी नीचे लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम शुभम, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।